हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी आइस क्यूब शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप डेली एक भी लगा लेंगे तो आपकी स्किन में अगर दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गई है, टैनिंग हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होके आपको एक स्पॉटलेस और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। सो गाइस, मैं आज आपके साथ जो आइस क्यूब शेयर कर रही हूँ वो मैंने टमाटो और पोटैटो से बनाई है। सो गाइस, आलू और टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी स्किन से दाग धब्बों को, मुहासों को, साथ ही साथ अगर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन हो गई है, धूप की वजह से हमारी स्किन में टैनिंग हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी और हमें एक स्पॉटलेस और वाइट एंड ब्राइटन स्किन मिलेगी। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, इस डार्क स्पॉट्स रिमूवल आइस क्यूब को हमें किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो आलू लेने हैं, मीडियम साइज के आप दो आलू ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए दो टमाटर। तो गाइस, अब मैंने यहाँ पर दोनों आलू को अच्छे से छील लिया है। अब हमें इसका रस निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसका कद्दूकस करके इसका इजीली रस निकाल लूंगी। आप इसे मिक्सी में पीस कर भी इसका रस निकाल सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं एक छलनी की हेल्प से इसका जो रस है वो अच्छे से छान लूंगी। सो गाइस, आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन में अगर कालापन हो गया है, मुहासे हो गए हैं, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सारे प्रॉब्लम दूर होगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर आलू का रस अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद बारी आती है हमें टमाटर का रस निकालना है, तो टमाटर को भी मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। सो गाइस, टमाटर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमारे स्किन में अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, मुहासों की प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम ठीक होगी। सो गाइस, अब मैं छलनी की हेल्प से इसका जूस अच्छे से निकाल लूंगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर टमाटर का रस भी एकदम आसानी से निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ग्लास ले लूंगी और उसमें सबसे पहले आलू का रस डालूंगी। उसके बाद मैंने जो टमाटर का रस निकाला है वो मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसमें आधा कटोरी रोज वाटर ऐड करूंगी। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें आधा नींबू का रस ऐड करूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो गाइस, नींबू में भी नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से वाइट एंड ब्राइटन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद मैं यहाँ पर आइस ट्रे ले लूँगी जिसमें मैं इस मिक्सचर को डाल दूंगी। सो गाइस, मिक्सचर को डालने के बाद आपको इसे फ्रीजर में 7 से 8 घंटे जमाने के लिए छोड़ देना है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सो गाइस, मैंने इसे ओवरनाइट रखा था, तो अब हमारी आइस क्यूब जो है वो एकदम रेडी हो चुकी है। सो गाइस, आप इन आइस क्यूब को ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, फेस पैक बना बना कर, लगा लगा कर अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप इन आइस क्यूब को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको उसे बनाकर रख देना है और डेली कम से कम आपको सुबह और शाम एक एक आइस क्यूब ज़रूर ट्राई करनी है। आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, अभी इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको यूज़ करने से पहले आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद इस एक आइस क्यूब को आपको अपने पूरे फेस पर मसाज करते हुए अच्छे से अप्लाई करना है। सो गाइस, इसमें मैंने पोटैटो यूज़ किया है, टमाटो यूज़ किया है। सो गाइस, पोटैटो और टमाटो बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन में अगर दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ही दिनों के अंदर एकदम ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, शाइनी हो जाएगी, एकदम स्पॉटलेस हो जाएगी। सो गाइस, आपको ये करना है कि आपको इसे सुबह और शाम एक एक आइस क्यूब ज़रूर ट्राई करनी है। सो गाइस, इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि पहले यूज़ में मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन करने लगी है। सो गाइस, धीरे धीरे अगर आपके स्किन में दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है, तो वो भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। सो गाइस, ये थे मेरी स्किन वाइटनिंग एंड डार्क स्पॉट्स रिमूवल आइस क्यूब। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।
सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।